आगे पुलिस वाले खड़े हैं गाइस, आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं, डर लग रही है अभी। गाइस ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है और कल जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ का जो लॉक है ना सीट। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मोंटू के घर पे। मोंटू की What's up you lovely people, once again welcome back to my YouTube channel, hope you all are doing good। So आज हम जा रहे हैं हमारे कॉलेज का नाम मैं अभी नहीं बता रहा भाई, परेशान हो गया हूँ यार मैं मेरे घर वालों के टोचन सुन सुन के कि कब कॉलेज स्टार्ट होगा, कब जाएगा कॉलेज, ये वो। तो भाई आज फाइनली हम जा रहे हैं कॉलेज पता करने के कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने कॉल किया था, इतने दिन 3-4 दिन मैं कॉल कर चुका हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हम बता देंगे, हम आपको शवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज पता करने के कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल तो देखो अभी मुझे मेरा बैग भी सही करवाना था, तो ये सब चीजें मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली साइकिल से मोंटू के घर जा रहा हूँ, फिर वहां से मोंटू की स्कूटी से हम लोग जाएंगे हमारे कॉलेज। अगर देखते हैं कॉलेज में कैसा क्या सीन रहता है, रिकॉर्ड करने को मिलता है या फिर नहीं। और भाई के बाल कैसे लग रहे हैं, मैसी मैसी भाई, मेरे को तो अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही बाल करके जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि सडनली प्लान बना था, जितने दिन से मेरा जाने का मन कर रहा था, लेकिन आज फाइनली मैं जा रहा हूँ। तो जल्दी से चलते हैं कॉलेज की ओर, पहले तो साइकिल से जाते हैं मोंटू के घर, फिर वहां से निकलते हैं कॉलेज। तो शुरू करते हैं आज इसके ब्लॉग को, तो लेट्स गो। बस ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है और कल जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि यहाँ का जो लॉक है ना सीट का वो टूट गया है, लेकिन फिलहाल मैं अभी जल्दी में हूँ तो मैं इसको ना ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, चल तो जाएगी, फिर मैं लौटते में ना इसको सही करवाऊँगा, पहले तो अभी निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। चलो सो गाइस मैं निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर साइकिल से। तो हम लोग केवल जा रहे हैं मोंटू के घर तक, देन आई विल गो थ्रू द स्कूटी टू माई कॉलेज, क्योंकि मेरा कॉलेज काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड डूइंग व्लॉगिंग विथ साइकिल इज गुड एंड नाइस, क्योंकि भाई बहुत मज़ा आता है मुझे तो बाइक चलाने में, ठीक है, मतलब जितना मज़ा मुझे गाड़ी चलाने में नहीं आता तो मुझे बाइसिकल चलाने में आता है। चलो अभी तो फिलहाल हम चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे टाइम तो लगेगा, अब साइकिल से जा रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, तो जस्ट वेट फॉर इट। पहुंचते हैं जल्दी मोंटू के घर, फिर वहां से निकलते हैं हम लोग। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मोंटू के घर पे, मोंटू की स्कूटी यहां पे खड़ी हुई है, मैंने अपनी साइकिल अंदर पार्क कर दिया एंड अब मैं ऊपर जाता हूं फटाफट, उससे बोलता हूं कि चलते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं, ठीक है। मतलब भाई हालत तो ख़राब हो जाती है साइकिल चलाने में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ ऊपर और मिलता हूँ मोंटू से, ठीक है। सो गाइज वी आर एट द पेट्रोल पम्प और अभी हम फ्यूलिंग करा रहे हैं, घर से निकल गए हम लोग, ठीक है भैया। तो हम डलाएंगे यहाँ से पेट्रोल फिर जाएंगे हमारे कॉलेज। मैं सोच रहा हूँ कॉलेज आपको वहीं जाके बताऊँ कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ। गाइज पेट्रोल तो डलवा लिया, अब हम डलवा रहे हैं हमारी स्कूटी में देसी हवा और फ्री एयर, ठीक है। हमारे टायर में हवा कम है, वेट करना पड़ेगा, इतनी बड़ी लाइन है। गाइस ट्रैफिक के लिए हम आपसे चाहेंगे माफी, क्योंकि हम लोग ना आज बता के नहीं आए कि हम लोग बाहर निकल रहे, वरना क्या ऐसे ट्रैफिक खाली होता है ऐसे, क्या हमारे मोंटू भाई की बहुत पहचान है क्या, जो मोंटू कॉल करने भूल गए हम लोग, बस तो हम लोग को ट्रैफिक मिलता ही नहीं। ग्रो चलो हम लोग पहुंच गए कलेक्ट्रेट से, पहले हम लोग लेफ्ट मुड़ जाएंगे, मोंटू यहाँ से लेफ्ट लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्या मैंने कौन सा कॉलेज लिया है, बता दूं क्या? अरे वहाँ जाके चलो वहीं जाके बताएंगे कौन सा कॉलेज है, ठीक है। थोड़ा और वेट करो, थोड़ा सा और दूर रह गया है, तो अभी यहाँ से हम लेफ्ट लेके पहुँच जाएंगे सीधे चोइत्राम वाली रोड पे, अमीर बच्चों के लड़के अरे अमीर बच्चों के लड़के वड़के वहाँ पढ़ते, लेकिन हम अमीर नहीं है गाइस,
और वे डोमिनोज ने अपग्रेड कर लिया गाइस, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया, देखा आपने? डोमिनोज वालों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली है डिलीवरी के लिए, बढ़िया है भाई। चलो चौधरा पहुंचने वाले हैं ब्रिज चढ़ने के बाद, फिर आपको मिलते हैं थोड़ा आगे पहुँच। गाइस हम लोग सोच रहे थे कि थार से आ जाते यार, लेकिन यार पता ही नहीं था कि इतना गंदा मौसम हो जाएगा। हमने सोचा कि धूप नहीं निकलेगी, तो हमने सोचा कि चलो स्कूटी से चलते हैं। 3 साल बाद निकाली है ये स्कूटी, क्यों? सही बात है। और आगे पुलिस वाले खड़े हैं गाइस, आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं, डर लग रहा है भैया। तो गाइस देखते हैं हमको पकड़ते कि नहीं पकड़ते, हम लोग निकल जाएंगे वैसे, अगर पकड़ते तो भी डर लेंगे। सर हमको मत रोकना सर, नहीं होगा, हम लोग जा रहे हैं ठीक है। नंबर प्लेट देख के, वो तो नंबर प्लेट देख के नहीं रोकते, मंटू का नाम है क्या? पुलिस वालों ने हमको नहीं रोका, आगे चेकिंग लगी थी, मैं घुमा नहीं सकता था कैमरा, वरना मेरी वाट लगा देते हो, रोक लेते फिर हमको। मतलब क्या को क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो क्या कर रहे हो? इसलिए हम लोगों ने कैमरा टिल्ट नहीं किया भाई। मौसम हो गया है वैसे, भगवान ने हमारी सुन ली, एक तो सुन ली, फोन नहीं लगाना पड़ा हमको भगवान को, भगवान ने मौसम अच्छा कर दिया। भगवान को कुछ नहीं करते, भगवान सबको पता है, भगवान को हम कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान सबको कृपा बरसा के रखते हैं। राधे 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 राधे, सीधे चलना है मंटू यहाँ से भी। हमारी गाड़ी में आ गई है दिक्कत, ये चल रही है बहुत ज़्यादा टाइट। सही है सही है सही है, सही चल रही है गाइस। तो हम लोग अब फिर से, मतलब हमको लग रहा था कि गाड़ी टाइट चल रही है, तो हम लोग देख रहे थे, देखा तो बोलता है मंटू के सही है सही है। तो चलो पहुँचने वाले कुछ देर में कॉलेज। गाइस मैं आ गया हूँ कॉलेज के अंदर, और मेरा कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने एडमिशन लिया है IPS कॉलेज में। ओके अब यहाँ का क्या प्रोटोकॉल है मेरे को नहीं पता, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा मेरा डेली। अभी तो फिलहाल हम लोग एडमिशन का पता करते हैं, फिर देखते हैं आगे। सो गाइस अभी हम लोग कॉलेज में आए थे, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप करना है ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म फिलअप किया है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कब से कॉलेज स्टार्ट होगा ठीक है। तो कॉलेज तो ठीक ठाक है, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है ठीक ठाक है, बाकी वो कॉलेज लगने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल तो अभी मैंने ये फॉर्म पूरा फिलअप किया है, मेरा नंबर बताना। और ले 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 ले, मैंने भरा है, और मंटू बोल रहा है कि इसने ये फॉर्म भरा है, मैंने खुद से अपना ये फॉर्म भरा है, अब जाके सबमिट करता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ नहीं दिखा पाता क्योंकि अभी मैं फैमिलियर नहीं हूँ उस कॉलेज से, कोई मुझे चिल्ला देगा ना तो फिर मेरी वाट लग जाएगी। तो अभी हम लोग क्लास में अकेले थे, तो अभी जस्ट मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है, तो फटाफट से फॉर्म सबमिट करते हैं, फिर जो भी होता है करता की पूरी बात बताऊंगा मैं। ओके स्टे कनेक्टेड गाइस, अब हमारे कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग का भी पेमेंट करना है 1000 रुपीज़ का, वो कर रहे हैं। मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो पापा से करवा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा वेट करते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद वो बोल रहे हैं कोड जनरेट हो जाएगा, फिर अच्छे से क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। ये मेरा कॉलेज बस इसी के अंदर है, 3-4 क्लास बस, कॉलेज तो बहुत बड़ा है लेकिन बस इतना ही है मेरा कॉलेज। गाइस हम कॉलेज से निकल गए हैं, और हम जा रहे हैं मधुरम सैंडविच राजवाड़ा, क्योंकि हमको लग रही है भूख, तो हम खाएंगे कुछ कुछ समथिंग समथिंग। क्या खाएंगे वंडू? सैंडविच खाएंगे, हम सैंडविच ही खाएंगे वैसे तो। अब सीधे चलना है या फिर सीधे चलना है? गाइस मेरे को रास्ता नहीं पता, वंटू मेरे को लेके आओ, आ गया याद आ गया मेरे को। ये फ्रूट ये फूड ब्लॉगर है ना वंटू हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं राजवाड़ा मधुरम सैंडविच, ये बैक साइड एरिया है राजवाड़ा का। ओके मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ गाइस, में देख लो, कंपटीशन नहीं गाड़ी चलाने का, एक हाथ से ब्लॉगिंग एक हाथ से गाड़ी। ओए भैया 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 अंडे गरम गरम। सो गाइस राइट नाउ आई एम एट मधुरम सैंडविच, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं IPS कॉलेज के बाद मधुरम सैंडविच पे आ गया था, तो सार्थक अभी गया हुआ है ऑर्डर करने, एंड इसकी जो लोकेशन है वो है राजवाड़ा के बैक साइड पे ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे और मैप के थ्रू भी यहाँ पे इजीली आ सकते हो। तो अभी सार्थक ऑर्डर कर रहा है, फिर हम लोग खाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है सैंडविच। सो गाइस दिस इज हाउ द सैंडविच इज लुकिंग राइट नाउ, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस सैंडविच है, सार्थक ने टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तूने टेस्ट किया है ना, बता कैसा है, रिव्यू दे खा करके। तो ये अभी खा के आपको टेस्ट बता रहा है कैसा है। बढ़िया, तो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे सैंडविच दिखता है, मतलब नॉर्मली एक ही सैंडविच बनता है उनके यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा होता है वो। देखो मैं अभी मेरा फेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं
एक पागल से कम नहीं दिख रहा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग माय फेस टू यू। तो अभी भैया ने ऐसा बताया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनकी शॉप का पूरा अंदर, तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक पर्टिकुलर यहाँ का वीडियो हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे बहुत जल्द। और अगर आप कनेक्टेड रहोगे मेरे चैनल पे तो यू विल गेट टू नो कि कब वो वीडियो अपलोड होगी। तो अभी तो टाइम लग जाएगा, वैसे उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, तो फिर देखते हैं जब भी पॉसिबल होगा तब मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी मैं क्या मेरे चैनल पे इसके चैनल पे भी वीडियो आएगी ऐसा मंटू का कहना है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इंजॉय करते हैं सैंडविच, फिर आपको मिलते हैं घर पर। सैंडविच से टीआई मॉल H&M का कलेक्शन देखने। तो देखो आपको पता है मॉल के अंदर तो हमको रिकॉर्ड करने देंगे नहीं, तो वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड एंड कलेक्शन देख के आ रहे हैं H&M का। और अगर सेल चल रही होगी तो फिर प्लान करेंगे एक दो दिन में कुछ लेने का, फिलहाल तो अभी जाते हैं हम लोग अंदर। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। आज के लिए क्योंकि तुम नहीं होते तो हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं। गाइस अब मैं जा रहा हूँ मेरी साइकिल लेकर के घर। ओके सो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, और घर पे आने के बाद फिर हमने फटाफट से बाल वगैरह सेट किए, और देन मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने फिर सबसे पहले कॉलेज गए थे, तो कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका है फाइनली। और उसके बाद मतलब ठीक है कॉलेज, अभी देखो जाऊंगा तो पता लगेगा कैसा कॉलेज है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हम लोग आपको बता देंगे ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप पे उन लोगों ने मुझे ऐड ऑन कर लिया है। फिर हम लोग मधुरम सैंडविच गए थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत वर्क चल रहा था, तो पूरी तरीके से हम लोग मधुरम सैंडविच रिकॉर्ड नहीं कर पाए, केवल हम लोगों ने आपको सैंडविच बताया, मैंने आपको प्राइस भी नहीं बताई थी। तो प्राइस जो है वहां पे केवल अभी सिंगल सैंडविच ही मिलता है एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का, तो उसकी जो प्राइस है वो करीबन 150 के आसपास की है, और काफी अच्छा वो सैंडविच होता है, मतलब एक इंसान तो उसको इजीली नहीं खा सकता, दो या तीन लोग चाहिए। वैसे हम लोग दो थे तो हम लोगों ने खा लिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, व्हाट्स एवर रीजन किसी भी रीजन से आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, प्लीज बोल रहा हूं मैं आपसे। और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करना भी ना भूलें। जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।